हेलो नमस्कार साथियों, जयपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार शिक्षक बहाली 3.0 के तहत दोस्तों हम लोग आज का सेट सेट नंबर 6 होगा दोस्तों। जो भाई वन से लेकर 5 तक नहीं देखे मिल जाइए प्लेलिस्ट में, वन से लेकर फाइव तक देखिए दोस्तों। आज जिनको PDF चाहिए वो एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाके, वहाँ पर जो है वहाँ आपको PDF भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये टेस्ट आपका 1 to 5 में भी काम आएगा, 6 to 8 में भी काम आएगा दोस्तों, और 9 to 10 में तो काम आएगा ही है आएगा। इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा दोस्तों। 120 क्वेश्चन का डिस्कस है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। NCERT पैटर्न पर दोस्तों, NCERT और SCERT पैटर्न आधारित है दोस्तों ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहले 40 क्वेश्चन हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद 40 ज्योग्राफी, उसके बाद 40 हिस्ट्री पॉलिटी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन में जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों टी माधव राव किए थे। कौन किए थे? टी माधव राव दोस्तों। फिर से देखिए, 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? टी माधव राव दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिक्कों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों को फारसी अनुवाद की प्रस्तुति की थी दोस्तों? ये सीर अकबर की थी। कौन के सीर ए अकबरी दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में कौन सी एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिक्को द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद का प्रस्तुत किया? सीर अकबरी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी दोस्तों? अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? आप लोग जल्दी से बताइएगा। राजा मानसिंह को दिया गया। किसे दिया गया था दोस्तों? राजा मानसिंह को फरजंद की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी की दृश्य अंकित है दोस्तों? तो ये गुफा संख्या 16 में है दोस्तों। किसमें? गुफा संख्या 16 में दोस्तों मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। लखनऊ समझौता, लाहौर समझौता, पुणे समझौता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी दोस्तों। जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों लखनऊ समझौता में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया था। ये कब हुआ लखनऊ समझौता दोस्तों? 1916 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है दोस्तों? सुल्तानगढ़ी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है दोस्तों? इल्तुतमिश का मकबरा, सॉरी दोस्तों, इल्तुतमिश का मकबरा जो है, इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा आपका सुल्तानगढ़ी में दोस्तों। किसका? इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के मकबरा दोस्तों आपका कहाँ है? सुल्तानगढ़ में दोस्तों। और इसका निर्माण दोस्तों 1231 ईस्वी में कराया गया था दोस्तों। कब? 1231 ईस्वी में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। बखर है, बखर क्या है दोस्तों? तो बखर इतिहास रचना का वर्णात्मक साधन है। क्या है बखर दोस्तों? इतिहास रचना का वर्णात्मक साधन है बखर दोस्तों, बखर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दारा सिक्को को मूल हिंद किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? तो दारा सिक्को को मूल हिंद दोस्तों औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों के दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो ये प्राप्त हुआ नागार्जुन कोंडा को। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ तो नागार्जुन कोंडा का दोस्तों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उल्लंघन हुआ? तो मुट्टी लक्ष्मी रेड्डी दोस्तों, किसके द्वारा हुआ था? मुट्टी लक्ष्मी रेड्डी दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उल्लंघन हुआ? तो मुट्टी लक्ष्मी रेड्डी दोस्तों। 11 देखिए, वोट देने का अधिकार एक है दोस्तों, ये एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है वोट देना दोस्तों? संवैधानिक अधिकार है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सर्व कर किस पर लागू होता है दोस्तों? सर्व कर लागू होता है जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए। सर्व कर किस पर लागू होता है जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई दोस्तों? ये हुआ है दोस्तों कनगनहल्ली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कनगनहल्ली के द्वारा दोस्तों। देखिए निम्नांकित में किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त होता है? कनगनहल्ली के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो दोस्तों ये बोला, किनके द्वारा बोला गया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है दोस्तों? चतुष्पाद शिव प्रतिमा ये आपका खजुराहो में है। कहाँ पे दोस्तों? खजुराहो में चतुष्पाद शिव प्रतिमा स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा वर्णन है दोस्तों? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण सूत्र है, जातक कथा है, ललित विस्तार है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये महापरिनिर्वाण दोस्तों मृत्यु से संबंधित आपका महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो साथियों चलिए हम लोग देखते हैं कौन जुड़ा है दोस्तों। तो आपका जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ था। कौन दोस्तों? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता से जॉन लॉरेंस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है दोस्तों? गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो दोस्तों ये आपका मामल्लपुरम में। कहाँ पे? मामल्लपुरम में दोस्तों। गंगा अवतरित दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम में दोस्तों। चलिए हम लोग 18 के बाद 19 देखते हैं, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने प्रवचन दिए दोस्तों? तो ये दिए दोस्तों अर्धमागधी भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? अर्धमागधी और प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने प्रवचन दिए थे? तो अर्धमागधी और प्राकृतिक में दोस्तों। 20 देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था दोस्तों? तो कौन था? इब्राहिम खान गारदे था दोस्तों। कौन था? इब्राहिम खान गारदे था पानीपत के तृतीय युद्ध में दोस्तों। आप पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया कब दोस्तों? 1761 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपका लाहौर में नहीं हुआ था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुआ था। बम्बई कहाँ पड़ता है? बम्बई में की और प्रारंभ में केवल 3 सिद्धांत थे इसमें दोस्तों। बम्बई में आपका राजकोट पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था दोस्तों? जिहाद का प्रचार किया था मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों। कौन किया था?
मौलवी अहमद उल्ला दोस्तों जिहाद का प्रचार किया था 1857 में दोस्तों, इसमें 1857 में साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया, तो मौलवी अहमद उल्ला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों, तो साथियों ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो भारत परिषद ने 1861 द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उस गुप्त वकाटक रानी, उस गुप्त और वकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसमें जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी दोस्तों। तो साथियों अनुदान स्वरूप जो भूमि दी थी वो दोस्तों आपका प्रभावती गुप्ता था दोस्तों। कौन था? प्रभावती गुप्ता दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 25 देखिए, जवाबित थे दोस्तों, जवाबित क्या थे दोस्तों, जवाबित आपका राज कानून था दोस्तों। क्या था? राज कानून जवाबित था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, 26 देखिए, जीव शिव थे, जीव शिव है, जीव जो है शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया दोस्तों, ये प्रचलन का सिद्धांत दोस्तों आपका रामकृष्ण परमहंस किए थे दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस किए थे कि जीव शिव है और इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया, तो रामकृष्ण परमहंस दोस्तों। 27 देखिए, जिल अल्लाह को राज अधिकार संबंधी अवधारणा किससे संबंधित है दोस्तों, जिल अल्लाह को राज अधिकार संबंधी अवधारणा किससे संबंधित है, ये आपका बलबन से दोस्तों, किससे संबंधित है, बलबन से दोस्तों। 28 देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों त्रिपुरी में, कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये कब बने थे दोस्तों, तो त्रिपुरी में बने 1939 में दोस्तों, जब राजा सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए तब दोस्तों। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है ये भी ध्यान रखिएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था दोस्तों, तो साथियों ये फ्रांसिस डे था, कौन था, फ्रांसिस डे साथियों था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की दोस्तों, आगरा में राधा स्वामी के सत्संग की स्थापना की थी स्वामी शिवदयाल सिंह दोस्तों, कौन के थे, स्वामी शिवदयाल सिंह। चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे चलते, तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया दोस्तों, तो दोस्तों तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया, तो आपका फतु अल सलातीन किया, कौन किया दोस्तों, फतु अल सलातीन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, प्रस्थान त्रयी में जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों वो क्या है, आप लोग जल्दी से बताइएगा, वो भगवत नहीं था दोस्तों, कौन नहीं था, भगवत दोस्तों। 33 देखिए, संख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, ये दोस्तों भरहुत से प्राप्त, कहाँ से दोस्तों, भरहुत से। संख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल स्तूप अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, तो भरहुत से। 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पोडु के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को ज्ञात है दोस्तों, अरिका मेडू है, कौन सा है दोस्तों, अरिक मेडू है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, 35 में बोला जा रहा है कि किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित उनके वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्धांत वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है दोस्तों, तो साथियों ये हो जाएगा आपका परवरसेन प्रथम दोस्तों, कौन होगा, परवरसेन प्रथम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था दोस्तों, ये लड़ा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, शाहजहां ने करतारपुर में युद्ध लड़ा था दोस्तों।
37 देखिए, भाग्य भागिल्य की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई थी। भागिल्य की मुद्राएं दोस्तों ये प्राप्त हुई थी नर्मदा घाटी से। दोस्तों कहां से प्राप्त हुई थी? नर्मदा घाटी से। चलते हैं 38 दोस्तों, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी दोस्तों? ये दोस्तों मदुरई में, तमिल कवियों की तीसरी संगम की पीठ मदुरई में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उनचालीस देखिए, 39 में दोस्तों किस काल के मंदिर की वस्तुकला में सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृति आती है दोस्तों? तो किस काल में आती है? ये गुप्त काल में दोस्तों। किस काल के मंदिर की वस्तुकला में गंगा यमुना की आकृति आती है? तो गुप्त काल की आकृति में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 40 देखिए, जाति मीमांसा, जाति मीमांसा के लेखक कौन थे दोस्तों? जाति मीमांसा के लेखक आपका श्री नारायण गुरु थे दोस्तों। कौन थे? श्री नारायण गुरु। जाति मीमांसा के लेखक थे श्री नारायण गुरु दोस्तों। चलिए हम लोग अब भूगोल 40 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप को केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है दोस्तों। तो साथियों ये आग्नेय और कायंती चट्टानों से बने हुए हैं। भारतीय प्रायद्वीपियों प्रायद्वीप को केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है तो आग्नेय और कायंती चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा नवीकरणीय संसाधन दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन आपका कोयला, आपका गैर नवीकरणीय खनिज तेल भी गैर नवीकरणीय, तो वन आपका नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है दोस्तों, वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का सही क्रम लगाना है दोस्तों। चलिए लगाते हैं हम लोग, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा घटते क्रम में, फिर महाराष्ट्र दोस्तों, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश दोस्तों, आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ए पोलाग्र टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ए पोलाग्र टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ये पुस्तक लिखे थे बिल्वर जेलेंसकी दोस्तों। कौन लिखे थे? बिल्वर जेलेंसकी। 5 देखिए, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है दोस्तों? तो भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों जमशेदपुर कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है? जमशेदपुर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से पूर्व की नदी है दोस्तों? तो ये हिमालय से पूर्व की नदी गंगा है दोस्तों। कौन सी है? गंगा नहीं दोस्तों, आपका सतलुज है। हिमालय से पूर्व की नदी कौन सी है दोस्तों? सतलुज है, याद रखिए, बार बार मिसप्रिंट होता है तो बहुत बेबी आई है। हिमालय से पूर्व की नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपका सतलुज नदी है। कौन सी है दोस्तों? सतलुज। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका देश की अफ्रीका देश स्थल रुद्र नहीं है दोस्तों? अफ्रीका देश में जो स्थल रुद्र नहीं है ये आपका लीबिया है दोस्तों। कौन सा देश है? लीबिया स्थल रुद्र देश नहीं है, भूमध्य सागरीय सीमावर्ती दोस्तों। लीबिया जो है कैसा है? भूमध्य सागरीय सीमावर्ती है दोस्तों। 4 बोत्सवाना है आपका, लेकिन अफ्रीकी देश स्थल रुद्र नहीं है तो लीबिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों? कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो आप सभी साथी जानते हैं खांसी की पहाड़ियां दोस्तों अधिकतम वर्षा प्राप्त होता है जो गारो खांसी मेघालय में के रीजन में पड़ता है दोस्तों। 9 देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों? वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों? ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों, यूरोप और एशिया में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? असम में दोस्तों। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है एक सिंह गैंडे के लिए दोस्तों। 11 देखिए, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है दोस्तों, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है तो वस्तु की लागत दोस्तों क्या नहीं है? वस्तु की लागत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है दोस्तों, कांगो और अमेजन बेसिन कहाँ पे स्थित है? आप सभी को मालूम होगा भूमध्य रेखीय में दोस्तों, भूमध्य रेखीय प्रदेश में कांगो बेसिन स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कांगो और बेसिन, कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है दोस्तों?
चलिए देखते हैं हम लोग किस देश को कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं दोस्तों। किसे कहेंगे? क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलो देखिए, मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है यह परिभाषा किसने दी थी? मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? यह परिभाषा एच एच बैराज दी थी। कौन दिए दोस्तों? एच एच बैराज दोस्तों। 15 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को दोस्तों। किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका शनि का दोस्तों। सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह? शनि का दोस्तों। 17 देखिए, देशों में देखिए दोस्तों, शनि के अभी प्रेजेंट में 145 उपग्रह हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश की सीमा है 4096.6 किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? रूस आपका बॉक्साइड में नहीं है दोस्तों, टीन में, ये आपका गलत है। मैक्सिको चांदी आपका ये सही है। फिर आपका देखिए, बोलिविया दोस्तों टीन है, बोलिविया भी आपका सही है दोस्तों। और संयुक्त अमेरिका तांबा के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, इसलिए आपका इनमें से एक गलत है, जो नहीं है आपका ए नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 19 देखते हैं। पंपाज और स्टेपीज हैं दोस्तों, पंपाज और स्टेपीज मध्य अक्षांश से घास के मैदान है। क्या है दोस्तों? मध्य अक्षांश से घास के मैदान है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है वो आपका नील नदी दोस्तों। कौन सी नदी बनाती है सबसे बड़ी डेल्टा? तो नील नदी दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं दोस्तों? विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो सेंटोस को दोस्तों। किसे जानते हैं? सेंटोस को विश्व के कहवा के बंदरगाह के नाम से जानते हैं, सेंटोस। 22 देखिए, कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है दोस्तों? ज्वार भाटा से संबंधित जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अंतर्जात बल दोस्तों। कौन सा होगा? अंतर्जात बल दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? सही सम्मिलित जो नहीं है, स्थल मंडल है, कारक दिया गया है। तो देखिए, कौन सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो यार्डांग जो है दोस्तों, ये वायु संबंधित है, ये आपका सही है। ज्वार नंदमुख दोस्तों नदी बनाती, ये भी आपका सही है दोस्तों। लटकती घाटी दोस्तों आपका हिमानी बनाती है, आपका ये भी से उपयुक्त तो सभी तीनों आपका सही है। कौन सा? तो यारडांग वायु से है, ज्वारनु नदी से, लटकती घाटी हिमानी दोस्तों, आपका तीनों सही है दोस्तों। 24 देखिए, कौन सही नहीं है दोस्तों? ठंडी धारा नहीं है। तो देखिए, ठंडी धारा जो नहीं है दोस्तों, ये आपका गल्प स्ट्रीम, ये मेक्सिको की धारा है, गर्म जल धारा दोस्तों। किस तरह की है? गर्म जल धारा है आपका गल्प स्ट्रीम दोस्तों, यही नहीं है। लेब्राडोर और किनारे आपका ठंडी जल धारा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं हम लोग। कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से सही है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, ये भी सही है। पीली क्रांति इस्पात, देखिए पीली क्रांति आपका इस्पात से नहीं होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, जानते होंगे आप लोग, पीली क्रांति दोस्तों तेलहन उत्पादन से संबंधित है, इसलिए आपका ये गलत है दोस्तों, सी। चलिए हम लोग 26 चलते हैं। चीनूक है दोस्तों, चीनूक स्थानीय हवा है दोस्तों। क्या है? स्थानीय हवा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये चीनूक को ही यूरोप में फोन कहते हैं दोस्तों, अमेरिका में चीनूक कहते हैं, संयुक्त अमेरिका में चीनूक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। सूची वन सूची दो को मिलाना है। बुशमैन देखिए दोस्तों, बुशमैन आपका नामीबिया में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? बुशमैन नामीबिया में। पिग्मी दोस्तों, पिग्मी जायरे में। और एक्सिमो, एक्सिमो दोस्तों आपका अलास्का में। एक्सिमो कहाँ पाया जाता है? अलास्का में। और गोंड दोस्तों भारत में, गोंड भारत में। याद कीजिए, वीवीआई दोस्तों 12 पूछा जाता है। बुशमैन आपका नामीबिया में, नामीबिया कलारी में पड़ता है दोस्तों।
ये भी ध्यान रखना, पिग्मी दोस्तों ये आपका हो जाएगा जायरी में पिग्मी, एक्सिमो दोस्तों एक्सिमो आपका अलास्का में, और गोन दोस्तों भारत में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है दोस्तों, तो इस पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है। किसे माना जाता है वैश्विक विरासत वन, तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कौन सी नदी भूमध्य रेखा दो बार काटती है दोस्तों, तो कांगो नदी दोस्तों। कौन सी नदी काटती है दो बार भूमध्य रेखा को साथियों, तो कांगो नदी काटती है, और दो नदी काटती है उसको भी जानते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है कांगो दोस्तों, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है दोस्तों भूमध्य रेखा को। चलिए हम लोग चलते हैं, ग्रहण के दौरान पड़ने वाले छाया का सबसे काला भाग कहा जाता है, कहलाता है दोस्तों सूर्यकिरण कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों परछाया कहलाता, सॉरी दोस्तों क्या कहलाता है परछाया। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया को सबसे सबसे काला भाग कहलाता है परछाया दोस्तों, क्या कहलाता है परछाया कहलाता है दोस्तों, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता उसे सूर्यकृत भी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 31 नंबर, हजारों झीलों की भूमि किस देश से देश को संबंधित है दोस्तों, फिनलैंड से। किससे संबंधित है फिनलैंड से दोस्तों। 32 देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखिए, तो पेंस संकल्पना जो है आपका पेश संकल्पना दोस्तों, वाइडल डीला ब्लास्ट ये सही है दोस्तों, वाइडल डीला ब्लास्ट से पेंस संकल्पना ये सही है, रुको और जाओ निश्चयवाद ये ग्राफिक टेलर है दोस्तों, ये भी आपका सही है, रुको और जाओ ग्राफिक्स टेलर ये भी सही, व्यवहारवाद दोस्तों एमुअल, व्यवहारवाद एमुअल कांट नहीं थे दिए दोस्तों, विलियम खर्क दोस्तों कौन दिए थे विलियम फिर के दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में क्या कहलाते हैं आप सभी जानते हैं पंपास कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों पंपास, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं पंपास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कृषि के अत्यधिक विशेषकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा चाय और रबड़ जैसे फसलें उगाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये दोस्तों बागवानी फसलें क्या कहलाती है बगाती फसलें दोस्तों, उसे ही बागवानी फसल कहते हैं दोस्तों, तकनीकी से उगाई जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मानसून है दोस्तों, मानसून क्या है मौसमी हवाएं को मानसून कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं मानसून मौसमी हवाएं को मानसून कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है दोस्तों, क्षोभ मंडल हो गया मेघ मंडल ताप मंडल, आपको गलत है दोस्तों, क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद ताप मंडल, क्षोभ के बाद आपका समताप मंडल आएगा, उसके बाद मेघ मंडल दोस्तों, उसके बाद ताप मंडल आएगा, कौन सा आएगा पहले क्षोभ मंडल दोस्तों, उसके बाद समताप मंडल, फिर मेघ मंडल, फिर ताप मंडल दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 37 देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए फोटों का प्रयोग कीजिए दोस्तों, भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है दोस्तों, मिट्टी अपरदन की समस्या जो संबंधित है वो दोस्तों आपका है देखिए, अत्यधिक कृषि से दोस्तों, अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी मृदा अपरदन की समस्या दोस्तों, भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है तो अत्यधिक कृषि दोस्तों, अत्यधिक कृषि और अत्यधिक सिंचाई से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जीआईएस किसका लघु रूप है दोस्तों, जीआईएस का, तो ये दोस्तों जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का किसका लघु रूप है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का दोस्तों, जीआईएस किसका स्वरूप लघु स्वरूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। चलिए देखिए, बुशमैन निवासी है दोस्तों, तो कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन निवासी, कहाँ के दोस्तों कालाहारी मरुस्थल का,
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन सी नदी ज्वार नंद मुख का निर्माण करती है? तो आप सभी साथियों को पता है ताप्ती नदी। कौन करती है? ताप्ती नदी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? इसका उद्गम कहाँ से होती है? तो बैतूल जनपद के में मुलताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है दोस्तों। ये 724 किलोमीटर लंबी और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल बहाकर ले जाती है। यह नर्मदा की भांति एक चूरी बनाती है, जिसे हम लोग ज्वारनंद मुख कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अब पॉलिटिकल साइंस के, चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन पॉलिटिकल देखेंगे दोस्तों। देखिए, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं है। एक आधुनिक राज्य जो है संविधान के बिना राज्य नहीं है, अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा, जेनी लेक का है दोस्तों। किसका कथन है ये? जेनी लेक का है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका प्रयुक्त एक से अधिक दोस्तों। सीमित शासन है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा दोस्तों, आपका एक से अधिक दोस्तों। तीन देखिए, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? यह कौन सुनिश्चित करता है दोस्तों? यह करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन सुनिश्चित करता है? लोकसभा का स्पीकर दोस्तों। यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक या है अथवा नहीं? यह लोकसभा का स्पीकर करता है दोस्तों। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर दोस्तों, जिसे धन विधेयक कहते हैं 110 अनुच्छेद के तहत दोस्तों। चार देखिए, कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है दोस्तों? तो देखिए, आवश्यक तत्व जो नहीं है, जो है दोस्तों, पहले उसको पहले संगठन है, सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांतों की समझते हैं, लेकिन विदेश द्वारा मान्यता दोस्तों ये राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व में यह है दोस्तों, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपका नहीं है दोस्तों। ये आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, ये मौलिक अधिकार में आता है दोस्तों, 25 से 28 के बीच में आता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है दोस्तों? ये किसने बोला था दोस्तों? तो ये आपका महात्मा गांधी बोले थे दोस्तों। देखिए, 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 बोला गया दोस्तों, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो ये प्रतिपादित दोस्तों रूसो किया था। कौन किया था दोस्तों? रूसो। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? रूसो दोस्तों। 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है दोस्तों? तो साथियों, ये मानता है आपका हॉब्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हॉब्स के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संविधान के कौन से अच्छे अनुच्छेदों में यह प्रावधान है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जा सकता दोस्तों? तो देखिए, न्यायालय जो नहीं ले जाया जा सकता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 37 के तहत है। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 37 के तहत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्य में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं दोस्तों? तो साहित्य क्षेत्र से रहते हैं दोस्तों, साहित्य विज्ञान कला समाज उपयुक्त सभी से रहते हैं दोस्तों, इसलिए चलिए डी होगा आपका इसमें। 11 देखिए, निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशु मोहर पर अंकित है दोस्तों? तो ये आपका ब्याघ था दोस्तों, गैंडा था, भैंसा था, हाथी था दोस्तों, आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंधित है दोस्तों? चौथी अनुसूची संबंधित है। कौन सा दोस्तों? चौथी अनुसूची। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तेरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनमेल को बताएं दोस्तों? अनमेल को बताना है मतलब इसमें कौन मेल नहीं खाता दोस्तों? तो आपका नेहरू बॉस मेल नहीं खा रहा दोस्तों।
तिलक, विपिन चंद्र पाल थे, गोखले, नेहरू जी, ये सब सही सही है दोस्तों। 14 देखिए, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है दोस्तों, एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना दोस्तों, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया दोस्तों, तो राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दोस्तों आपका 78 के अनुच्छेद में दिया गया, किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 78 में दोस्तों राष्ट्रीय सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया था दोस्तों, तो ये किए थे सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, किसे किए थे सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार, तो बी आया दोस्तों, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है ये। 17 देखिए, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक जो है ये दोस्तों आपका सत्य के साथ मेरा प्रयोग, किस क्या था दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, संप्रभुता एक विशेषता है, संप्रभुता क्या एक विशेषता है राज की दोस्तों, किसकी है राज की, संप्रभुता एक विशेषता है राज की दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो जो सही है उसको हम लोग लगाते हैं, लॉक के अनुसार लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया दोस्तों, कौन किया था लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया था दोस्तों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के बैठक के लिए कनपूर्ति दोस्तों 55 चाहिए दोस्तों, मतलब 550 में 55 सदस्य आपको गणपूर्ति के लिए चाहिए दोस्तों, 10% दोस्तों, 1/10% जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, और राज्यसभा में 25 सदस्य जरूरत है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है दोस्तों, तो देखिए राज्य का देवीय राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या दोस्तों विकासवादी सिद्धांत है दोस्तों, कौन सा है विकासवादी सिद्धांत दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उदारवाद का मूल तत्व क्या है दोस्तों, उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवाद का मूल तत्व क्या है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों, उदारवाद का मूल तत्व। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, तो निर्वाचन के 2 वर्ष बाद दोस्तों, कब किया जा सकता है 2 वर्ष के बाद दोस्तों, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 2 वर्ष बाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में किस मुकदमे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों, ये किया गया केशवानंद केशवा भारती बनाम केरला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मुकदमे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये कब हुआ दोस्तों 1973 में हुआ था दोस्तों, 25 देखिए, भारत सरकार का व्यवस्थित वर्णीकरण की प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था आपका अरस्तु द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा अरस्तु द्वारा दोस्तों, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था अरस्तु द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया दोस्तों, तो ये किया था ऑस्टिन दोस्तों, कौन कहते हैं प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, ऑस्टिन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 27 देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में कौन सा भाग नहीं लेता दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में, तो ये विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन भाग नहीं लेते विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य दोस्तों, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं लेते दोस्तों। 28 देखिए, प्रणयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ दोस्तों, प्रणयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये किया गया साथियों महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संयुक्त राष्ट्र
का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है दोस्तों? तो देखिए ये न्यायिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कौन सा अंग 1994 क्रियाशील नहीं है, तो न्याय परिषद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी आती है? दोस्तों भारत में निर्वाचन प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभाव में आती है? तो दोस्तों ये उस दिन से जिस दिन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन में एक देखिए, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्य उद्घाटन है दोस्तों? ये कहा जाता है अरविंद घोष के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है दोस्तों? अरविंद घोष के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग 32 चलते हैं। 32 क्या बोला जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है दोस्तों? ये बोला जा रहा है साथियों आपका वर्ग के अनुसार। किसके द्वारा दोस्तों? वर्ग के अनुसार बोला जा रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये रॉबर्ट्स ओवन के द्वारा किया गया था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट्स ओवन के द्वारा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हम लोग। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया दोस्तों, ये राजनीतिक दल और विधान पालिका और संविधान के द्वारा किया गया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान के द्वारा दोस्तों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। भारत एक गणराज्य क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों। भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 36 देखिए, धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 110 के अनुसार दोस्तों। इसके द्वारा अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। 37 देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट PFPTP प्रणाली के संबंध में कौन सही नहीं है दोस्तों? देखिए आपका विजय उम्मीदवारों कुल मतों के 50% अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका सही है। भारत में लोकसभा चुनाव में FFPTP पद्धति का पालन किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। तो प्रत्येक दल को मिले मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है, ये आपका गलत है दोस्तों, सीटें नहीं मिलती है। प्रत्येक दल के विधानमंडल में उनके द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत के अनुसार अनुपात में सीटें प्राप्त होती है, यह समानुपाती प्रतिनिधित्व का एक ही विशेषता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का अंतर्गत है दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का अंतर्गत जो है साथियों, ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों। किसके अंतर्गत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच मध्य विवादों का अंतर्गत है दोस्तों। 39 देखिए, कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? ये उत्तरदायी है दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। क्या बोला गया? कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी? तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 40 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा होने का अधिकार बन गया दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों। कब? 2002 के तहत दोस्तों। चलिए आपका कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। यहाँ से अर्थव्यवस्था आप लोगों को यही काम करना है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।